वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट अग्रजी। हम डिस्कस कर रहे हैं नीट 2016 का क्वेश्चन पेपर फेज वन का, जो कि 1 मई 2016 को ऑर्गेनाइज कराया गया था। बुकलेट कोड है हमारा क्यू, ठीक है जी, क्यू बुकलेट कोड है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से 100 तक इस पार्ट में, इस वीडियो में। तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जो कि तुम्हें नोटिफिकेशंस देगा रिलेटेड टू नीट स्टडी मटेरियल, और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है नीट को क्वालिफाई करने में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। द स्टीम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज, सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टीम्स जो मॉडिफाई हो जाती हैं फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स में, तो फंक्शंस ऑफ द लीव का काम करती हैं उसको हम फाइलोक्लेड्स बोलते हैं, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 72 पर आ जाइए। इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर? तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, एंटीनी, स्ट्रोमा, कहीं नहीं है, ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकॉइड्स में होंगे, ठीक है जी। ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकॉइड्स में सबसे ज्यादा प्रोटॉन होने वाले हैं, ठीक है जी। आगे आइए 73। नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्ररी, मतलब करेक्ट नहीं है नोमेनक्लेचर के लिए। तो फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस नेम, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट, करेक्ट पहला करेक्ट, नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलाइज्ड, सेकंड भी करेक्ट, व्हेन रिटन बाय हैंड अंडरलाइन करते हैं करेक्ट। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये गलत है भाई, ये तुम्हारा हो जाएगा नॉट करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। तो नॉट करेक्ट पूछा हुआ था, कॉन्ट्ररी मतलब अपोजिट, फोर्थ वाला करेक्ट हो गया। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, देखो जो क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होती है ना वो पैकेटिन स्टेज पे हो जाती है, ठीक है जी। पैकेटिन स्टेज पे तुम्हारी हो जाती है स्टार्ट क्रॉसिंग ओवर, ठीक है जी। आगे चलिए, एंटीविनम इंजेक्टेड इंजेक्शन कंटेन्स प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज वाइल पोलियो ड्रॉप्स जो एडमिनिस्टर, तो पोलियो की दो ड्रॉप जिंदगी की बोलते थे ना, उसके अंदर क्या होती थी कि एटीन्यूएटेड पैथोजेंस होते थे, ठीक है जी। एटीन्यूटेड मतलब उनको हल्का सा इनएक्टिवेट कर दिया जाता था, तो वो दोबारा कॉज कर सकते थे, लेकिन प्रॉपर अप्रूव्ड वैक्सीन थी वो पोलियो की, जो पोलियो हालांकि इरेडिकेट कर दिया गया है बाय ह्यूज एंड लार्ज वैक्सीनेशन प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे चलिए, द टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेंड फ्रॉम, कहाँ से होता है? थर्मस एक्वेटिकस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करते जाइए, आगे चलते जाइए, अपना कॉन्फिडेंस रखिए, हाई नीट जरूर क्वालिफाई होगा इस बार, धर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया, तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है? हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड तो होता ही है, रेसिसिव भी होता है, जीन डिसऑर्डर है, तो सबसे बेस्ट यही डिस्क्राइब्ड है, एक्स लिंक्ड रेसिसिव जीन डिसऑर्डर। आगे चलिए 78। द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ ए पेपिलियोनेसियस कोरोला इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं वैक्सिलम, ठीक है, स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेपिलियोनेसियस कोरोला। आगे चलिए 79 पे, विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलियोइडिजाइन इनकॉग्निशिया, कहाँ इन्फेक्ट करता है? रूट में, याद है बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, रूट के अंदर मोटे मोटे थे, 15 ही दिन बाद, कुछ ही दिनों बाद जब ट्रीटमेंट दिया गया इसके खिलाफ, तो पाया था आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी से, तो वहाँ रूट हो गई थी क्लियर। Which of the following statement is wrong for viroids? They are smaller than virus, सही है, they cause infection, सही है, their RNA is of high molecular weight, ये गलत है, क्यों, क्या होता है? Low molecular weight होता है, option number 3 गलत है, तो correct answer 3 होगा। Which of the following statement is not true for cancer cell in relation to mutations? एक चीज़ तुम ध्यान रख लो कि cancer cells के अंदर mutations से ही टीलोमेरेज का production बढ़ता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, तो म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टेलोमेरेज इनहिबिटर सही है। हमसे बीच ऑफ द इज नॉट ट्रू पूछा है, म्यूटेशन इनएक्टिवेट सेल कंट्रोल ये भी सही है, म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज ये गलत है, कैंसरस सेल्स के रेफरेंस में है तो इनहिबिट नहीं करेगा, प्रोडक्शन टेलोमेरेज का बढ़ा देगा। 81 का तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 नॉट ट्रू के सेंस में पूछा है, नेगेटिव सेंस में। आगे चलिए, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन, एरियोलर टिश्यू टेंडन नहीं होता, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप्स ऑफ नोज नहीं होता, क्यूबोइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टोमेक नहीं होता, स्मूथ मसल्स वॉल ऑफ इंटेस्टाइन ये होता जी, तो करेक्ट आंसर यही है जी, फोर वाला, क्योंकि इसमें हमें बताना है कि द टाइप ऑफ टिश्यू उसके साथ साथ उसके लोकेशन पे, तो तुम्हारा इंटेस्टाइन का जो होता है स्मूथ मसल्स होता है, मतलब ये ऐसी मसल्स हैं जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है,
हम अपने हाथ को तो हिला सकते हैं, पाँव को हिला सकते हैं, मुंह को हिला सकते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को नहीं हिला सकते, वो अपने हिसाब से ही हिलेगी। स्मूथ मसल है ना, हमारे वॉलंट्री कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंट्री है। आगे चलिए 83। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रोमो हॉर्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक। देखो एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के दुश्मन। तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम करता है लेकिन ग्लूकागोन बढ़ा देता है, अपोजिट हो गए। ये क्या हमारा ये आंसर होगा? नहीं होगा। एल्डोस्टेरोन एट्रियल नेटोटिक फैक्टर, क्या तुमने रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पढ़ा है? हाँ जी पढ़ा है। तो उसके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है? तो ANF का होता है। उसको सपोर्ट कौन करता है? तो एल्डोस्टेरोन करता है। तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुए कि नहीं हुए? रिलैक्सिन इनहिबिन, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। रिलैक्सिन जो है वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, ठीक है जी, वहाँ उसका रोल है। हालांकि रोल तो ऑक्सीटोसिन का है लेकिन रिलैक्सिन उसमें असिस्ट करता है, ठीक है जी। तो इनहिबिन क्या है, FSH को जो है सो उसका जो सिक्रीशन होता है उसको कम कर देता है इनहिबिन, ठीक है जी। तो इन दोनों में कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है। पाराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ाते जाइए, कॉन्फिडेंस लगाते जाइए, धक्के तभी तो होगा नीट क्वालिफाई, धकाधक क्वेश्चन करिए। और जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को भैया कर दो सब्सक्राइब, ऐसी वीडियोस दोबारा मिलेगी, नीट में क्वालिफाई हो जाओगे, 600 प्लस आएंगे MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। चलिए आगे 84। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? सब्सिडरी सेल्स। याद है जो सब्सिडरी सेल्स और एक्सेसरी सेल्स होती हैं, यही पूछा गया है इसके अंदर, तो करेक्ट मार दो छूटते ही। 85 पे आ जाइए, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली। तो भैया कई बार रटवा दिया गया है, कई बार तुम्हें बता दिया गया है, जब ओवम और स्पर्म एक दूसरे के साइमल्टेनियसली एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे आएंगे तभी इन फैलोपियन ट्यूब, तभी फर्टिलाइजेशन होगी। और तभी होता कि एवरी क्वाइटस डज नॉट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वो उस जंक्शन पे साइमल्टेनियसली पहुंचने चाहिए, वहीं मिलन होगा। मिलन अभी आधा अधूरा है, वहीं पे पूरा होगा, ठीक है जी, वहीं पे पूरा होगा। कहाँ पे? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे पूरा होगा। चलिए आगे 86। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टर कोडन, कौन सा ऐसा है जो स्टार्ट करता है? भैया AUG मेथियोनिन याद आ रहा है क्या? चलिए आगे 87। रिवर विद इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, मतलब गंदा पानी उसके अंदर फ्लो होगा, रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट, तो क्या करेगा ये? ऑक्सीजन का लेवल डाउन एकदम से नीचे चला गया, तो क्या करेगा? डेथ ऑफ फिश ड्यू टू द लैक ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है जी। चलिए आगे, फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिज्यूमेबली एनी रोब्स, करेक्ट है। द फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वर द कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड नेवर रिलीज ऑक्सीजन, करेक्ट है। ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 में जो तुम्हारा ए और बी दिया हुआ है इसको धर लो। चलिए 89 पे, ए सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप्स विद लेग्यूम और ग्रास पेस्चर टू इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी इज कॉल्ड, इसमें देर नहीं लगनी चाहिए, पढ़ते ही क्वेश्चन धर लो। ले फार्मिंग याद है कि नहीं? ले फार्मिंग के अंदर अल्टरनेट करते हैं। चलिए आगे 90 पे, गॉजेस प्रिंसिपल में क्या होता है? एक जो इन्फीरियर होती है वो एलिमिनेट हो जाती है, तो दो स्पीसीज कॉम्पिटिंग स्पीसीज सेम निश पे नहीं रहते, तो नो टू स्पीसीज कैन ऑक्युपाई द सेम निश इन डेफिनेबल लिमिटिंग रिसोर्सेज, ये तुम्हारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ द एनिमल, विविपैरस मेमेलिया। तो क्या मैमल्स सारे मैमल्स के अंदर विविपैरस होते हैं? नहीं। डक वाइल्ड प्लेटिपस याद है, उसमें कैसा होता है? उसमें ओबो विविपैरस कंडीशन होती है, तो वो करेक्ट नहीं हो जाएगा। सारे एनिमल्स विविपैरिटी को फॉलो नहीं करते मैमल्स के अंदर। पजेस अ माउथ विद एन अपर एंड लोअर जो कोर्डेटा का, देखिए जो कोर्डेटा का जो करेक्टर है, ठीक है, जो तुमने साइक्लोस्टोम्स का नाम सुना है, लैम्प्रे होती है, उसमें जॉ होते ही नहीं है लेकिन वो होती कोर्डेट है, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है ये भी तुम्हारा ऑलवेज करेक्ट नहीं है। 3 पे 3 चैम्बर्ड हार्ट विद वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल रेप्टिलिया के अंदर, तो रेप्टिलिया के अंदर तुमने क्रोकोडाइल्स का नाम सुना है, उसमें 4 चैम्बर्ड बट इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो कार्टिलेजिनस फिश में तुम्हारा कॉन्ड्रेक्टिस, इसमें हमेशा जो स्केलेटन होगा वो एंडोस्केलेटन, वो कार्टिलेज का बना होगा। तो ये सारे जितने भी इसमें एनिमल्स हैं सबके लिए कॉमन है और सबके लिए ट्रू है।
92 change in GnRH pulse frequency in female is controlled by circulating levels of. तो GnRH pulse frequency जो है ना वो estrogen and progesterone के level से होता है. तो 92 का option number 4 तुम्हारा हो जाएगा correct. ठीक है जी, estrogen progesterone के level से होता है ये पल्स फ्रीक्वेंसी का रेगुलेशन. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर. क्रोमेटिन का होता है क्या? नहीं होता. क्रोमेटिन में कहाँ से आ जाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल. सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियोसोम में कहाँ से आ जाएगा? सीलिया, फ्लाजेला, प्रोक्सीसोम में कहाँ से आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट. ठीक है जी, इन इनमें होता है. स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लाजेला, इन सब में होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स. आगे चलिए 94 पे. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल. सही है. फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल. सही है. लेकिन क्या है, इनके पास होता है डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. अरे भैया, इनके पास खुद की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है लेकिन ये कह रहा है लैक, तो ये गलत है. ए सही है, बी गलत है. ए ट्रू, बी फॉल्स. धर लो ऑप्शन नंबर 2. ए सही है और बी गलत है, क्योंकि इनके पास खुद की अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी होती है, डीएनए भी होता है, सारा सिस्टम होता है इनके पास. तो फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ. ऑप्सिन होता है और रेटिनल होता है. ध्यान रखना, यहाँ फंसा रखा है रेटिनल और रेटिनॉल में. तो रेटिनल होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है. जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा अल और ऑल वो फंस जाएगा इस क्वेश्चन में. तो ऑप्सिन एंड रेटिनल, विटामिन ए. ठीक है जी, 96 पे आ जाइए. क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डिनोफ्लाजिलेट, स्लिम माउल्ड, सब टाइम नहीं लगना चाहिए इसके अंदर. इंक्लूडेड कहाँ होते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर होते हैं. क्वेश्चन पढ़ते ही धर लो, जितना समय बचा लो फिजिक्स के लिए उतना बढ़िया. बायोलॉजी में तो धका धक लगाते जाओ. 360 में से 360 तो चलो ठीक है, एक आध क्वेश्चन गलत हो गए, 340 तो आने ही चाहिए. जी के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के लगातार एमसीक्यू करते जाओ, देखो नंबर कैसे नहीं आते, धकाधक नंबर आएंगे. चलिए आगे. द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल. मिथानोजेंस के अंदर होते हैं भैया, मिथानो बैक्टीरिया होता है. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन. अभी देखो ऊपर इनहिबिन रिलैक्सिन का पूछा हुआ है, यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं. प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैन्यूलोसा सेल्स इन ओवरी इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ FSH. सही है ये ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है जी. ठीक है, ग्रैन्यूलोसा सेल से होता है इन ओवरी, इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ FSH का. तो यही इसका करेक्ट हो जाएगा. ग्रैन्यूलोसा सेल्स इन ओवरी इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ LH नहीं, प्रोलैक्टिन नहीं, सीधा FSH का सिक्रेशन ये कम करता है. ठीक है जी, 99 पे. इन मच इट इज मच इजियर फॉर ए स्मॉल एनिमल्स टू रन अपहिल. क्यों होता है? स्मॉल एनिमल क्यों आसानी से चढ़ जाता है? क्योंकि उसकी जो मेटाबॉलिक रेट होती है ना वो हायर होती है, हैव ए हायर मेटाबॉलिक रेट, तो उसको एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी मिलेगी. क्वेश्चन नंबर 100, ये थोड़ा सा मतलब है तो क्वेश्चन इजी सिंपल ही है, ज़्यादा ट्रिक इसके अंदर है नहीं, लेकिन इसमें जेनेटिक रेशो पूछा हुआ है, जीनोटाइप. देखो ए टॉल ट्रू, टॉल ट्रू मतलब क्या है? कैपिटल टी और कैपिटल टी मतलब हो गया कि तुम्हारा होमोजाइगस, टॉल होमोजाइगस, क्योंकि दोनों सेम है. इज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ, स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों क्या है? स्मॉल है तो होमोजाइगस ड्वार्फ. जब उनको क्रॉस कर देंगे तो क्या बन जाएंगे? सारे के सारे हाइब्रिड बन जाएंगे. टी 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 टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी. ठीक है जी, सब में हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी. अब ये दोनों हाइब्रिड है मतलब दोनों हेटरोजाइगस हैं. जब दोनों हेटरोजाइगस होंगे, जब उनको आप क्रॉस करोगे इस कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो जो जीनोटाइप मिलता है उसमें 1:2:1. अब देखो इसमें दो जगह दिया हुआ है, एक ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 4 में. तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? टॉल हेटरोजाइगस. अरे जो पहला है वो तो टॉल होमोजाइगस होना चाहिए ना, टॉल होमोजाइगस. ठीक है, और जो दो होंगे वो टॉल होमोजाइगस नहीं होंगे, वो हेटरोजाइगस होंगे, और ड्वार्फ तो होगा ही होगा. तो इसमें से ये फोर्थ वाला करेक्ट है. याद है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 आता है और फिनोटिपिक रेशो 3:1 आता है. वही पूछा हुआ है, वही उसी को घुमा के थोड़ा सा पूछा हुआ है. तो इसमें पहला होमोजाइगस होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, उसके बाद दो जो होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले होंगे, उसके बाद एक स्मॉल टी वाला होगा. ठीक है जी, तो एक्सप्लेनेशन दे दी गई है क्वेश्चन नंबर 100 तक. तो जी के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी, इसको कर लें भैया सब्सक्राइब ऐसी वीडियोज़ के लिए. और इसमें ऐसी ही वीडियो लगाई जा रही है जो तुम्हारी रैंक को प्रमोट कर देगी नीट के अंदर.
और बड़े ही आसानी से जो टफ कंपटीशन है उसमें आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट निकाल जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को।